एमबीए चाय वाला, बीटेक पानीपुरी वाली, एलएलबी चाय वाला, चाय सुट्टा बार, ना जाने ऐसे कितने ही बिजनेसेस हैं जिन्होंने पानीपुरी और चाय जैसे लोकल फूड्स को प्रीमियम प्रोडक्ट में बदलने की कोशिश की है। इतना प्रीमियम कि पानीपुरी और चाय बेचने के लिए आपको 5 से लेकर 30 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं। इन सभी बिजनेस मॉडल्स के इंस्पिरेशन या यूं कहें कि जन्मदाता हैं एमबीए चाय वाला। कई लोग तो आज भी ये सोचते हैं कि एमबीए चाय वाला है यानी एक एमबीए किया हुआ लड़का जिसने नौकरी ना करते हुए चाय की टपरी खोली, पर असल में एमबीए चाय वाला का मतलब है मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे। एक समय पर हर मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यंगस्टर के रोल मॉडल और इंस्पिरेशन प्रफुल्ल बिल्लोरे को लोग आज सोशल मीडिया पर क्यों गालियां दे रहे हैं? क्यों एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी ऑनर्स आज अपने आउटलेट्स पर ताला लगाने पर मजबूर हैं? क्यों प्रफुल्ल के नाम पर अलग अलग शहरों में 28 से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं? आइए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यूं तो एमबीए चाय वाले का टॉपिक आजकल काफी ट्रेंड कर रहा है और हर कोई प्रफुल्ल को फ्रॉड साबित करने में लगा है। ऐसे में यह वीडियो बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि हम यहाँ प्रफुल्ल के ऊपर पर्सनल अटैक करने या उनके मीम्स पर हंसने की जगह एक सीरियस केस स्टडी करने वाले, जिसमें हम एमबीए चाय वाला और ऐसे ही ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल्स को स्टडी करेंगे और इनके सस्टेनेबिलिटी इश्यूज के बारे में बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में एमबीए चाय वाला फ्रॉड है और क्या सच में प्रफुल्ल लीगल फॉर्मेलिटीज में फंसने वाले हैं या नहीं। तो शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी के हीरो यानी प्रफुल्ल बिल्लोरे मध्य प्रदेश के धार जिले में रहने वाले एक आम मिडिल क्लास घर से बिलोंग करते हैं और हर मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उनके भी पेरेंट्स यही चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करें। उनका यही सपना पूरा करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने IIM से MBA करने का सोचा, लेकिन 2-3 बार तैयारी करने के बाद भी प्रफुल्ल को IIM नहीं मिला तो अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर प्रफुल्ल ने एक प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लेकिन प्रफुल्ल का सपना हमेशा से ही खुद का बिजनेस करने का था, इसलिए जेफ बेजोस को अपना इंस्पिरेशन मानने वाले प्रफुल्ल भी उनकी तरह मैकडॉनल्ड में पार्ट टाइम जॉब करने लगे। इस दौरान प्रफुल्ल ने कस्टमर हैंडलिंग सीखी, फिर कॉलेज की थ्योरी से बोर होकर ड्रॉप आउट हो गए और बिजनेस आइडिया सर्च करने लगे। पर वो चाय के ठेले पर आकर इसलिए अटके क्योंकि प्रफुल्ल का विजन था कि वो कम इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ शुरू करें ताकि अगर काम नहीं भी चला तो नुकसान कम हो, और दूसरा ये कि वो कुछ ऐसा ट्राई करना चाहते थे जो पूरे देश को यूनाइट करता हो। ऐसे में चाय से बेहतर क्या है? चाय भले ही अलग अलग टेस्ट की मिले पर मिलती देश के हर कोने में, और इस तरह से प्रफुल्ल ने IIM अहमदाबाद के सामने अपना चाय का ठेला खोला और अपने वेंचर को नाम दिया मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद चाय वाला यानी MBA चाय वाला। अपनी बातों और स्टाइल से प्रफुल्ल ने पहले ऑफलाइन और फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से ऑनलाइन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और MBA चाय वाला एक चाय की टपरी से एक ब्रांड बन गया। तो ये थी हमारे हीरो की स्टोरी, पर ये इंस्पिरेशनल स्टोरी ट्रेजिक कैसे होगी आइए देखते हैं। दरअसल प्रफुल्ल ये बात जानते थे कि वो केवल चाय बेचकर कभी भी करोड़पति तो नहीं बन सकते थे, तो फिर उन्होंने चाय के साथ साथ सपने बेचना शुरू कर दिए। यानी वो लोगों से कहने लगे कि मिडिल क्लास अनएम्प्लॉयड यूथ के पास सक्सेस पाने के दो रास्ते हैं, या तो वो खुद मेहनत करके जीरो से शुरू करें या फिर वो उनके ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले लें। और ये तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि हम बाय डिफॉल्ट हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं, इसलिए लोगों ने जमीन बेचकर लोन लेकर जैसे तैसे फ्रेंचाइजी के पैसे जमा किए और MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी ले ली। इन लोगों का कहना था कि प्रफुल्ल और उनकी टीम ने उन्हें डेली बेसिस पर 10 से 12 हजार का बिजनेस होने का वादा भी कर दिया, लेकिन जब ये आउटलेट्स ग्राउंड रियलिटी पर आए तो ज्यादातर लॉस में चले गए या ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलने लगे। आज की डेट में सेल ना होने से परेशान होकर कई ऑनर्स अपने आउटलेट पर ताला लगाने पर मजबूर हो गए। अब ये सभी लोग प्रफुल्ल के फ्रॉड होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तो क्या सच में प्रफुल्ल ने फ्रॉड किया है? इसे समझने के लिए पहले उनके फ्रेंचाइजी मॉडल को समझते हैं। फ्रेंचाइजी यानी किसी भी बड़ी कंपनी या ब्रांड का नाम और ट्रेडमार्क इस्तेमाल करके उस कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचने का लीगल राइट हासिल करना। तो फ्रेंचाइजी चार तरह की होती है। पहली है कोको यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड, यानी ऐसे आउटलेट्स जो कंपनी खुद ऑन करती है और कंपनी के एम्प्लॉयज ही उसे चलाते हैं। मतलब कंपनी आउटलेट को सीधे सीधे कंट्रोल करती है और फ्रेंचाइजी ऑनर को केवल उस जगह का किराया मिलता है, प्रॉफिट लॉस में उसका कोई रोल नहीं होता। जैसे कि रिलायंस मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, बिग बाजार, जैसे भी कोको बेस्ड फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं। दूसरा है कोफो यानी कंपनी ऑन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जहां इन्वेस्टमेंट कंपनी का होता है लेकिन उसे चलाते फ्रेंचाइजी ऑनर है। इस टाइप का इन्वेस्टमेंट थोड़ा अनयूजुअल है, ये केवल ऐसे कॉल सेंटर्स में देखने को मिलता है जो कंपनीज के लिए काम करते हैं। यहाँ प्रॉफिट और लॉस फ्रेंचाइजी ऑनर्स का होता है, कंपनी केवल इन्वेस्टमेंट के बदले अपना काम मांगती है। तीसरा है फोको यानी फ्रेंचाइजी ऑन एंड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें इन्वेस्टमेंट सारा फ्रेंचाइजी ऑनर का लगता है और कंपनी खुद इसे ऑपरेट करती है। सभी एम्प्लॉयज भी कंपनी के होते हैं और बेसिक इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ऑनर का, प्रॉफिट और लॉस एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों के बीच शेयर होता है।
और आखिरी मॉडल होता है फोफो, यानी फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, जहां इन्वेस्टमेंट भी फ्रेंचाइजी ऑनर का होता है और ऑपरेट भी वही करते हैं। कंपनी केवल उसे अपना नाम देने के पैसे लेती है और कुछ बेसिक ट्रेनिंग देती है। फ्रेंचाइजी के प्रॉफिट या लॉस में कंपनी का कोई शेयर नहीं होता। एमबीए चाय वाले का फ्रेंचाइजी बिजनेस फोफो मॉडल पर ही काम करता है। प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी के तीन टाइप्स रखे हैं। एक है 150 स्क्वायर फीट की जगह के लिए छोटा कियोस्क मॉडल, जिसकी फ्रेंचाइजी फीस 5 लाख रुपए है और इक्विपमेंट, इंटीरियर, इन सब का कॉस्ट मिलाकर लगभग 14 से 15 लाख का खर्च आता है। वहीं दूसरा है 400 से 600 स्क्वायर फीट का डाइन इन मॉडल, जिसमें 6.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी कॉस्ट मिलाकर लगभग 22 से 25 लाख का टोटल कॉस्ट आता है। और आखिरी है लॉन्ज मॉडल, जो कि 800 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह में आता है, जिसका खर्च लगभग 30 से 40 लाख रुपए आता है। अब इस तरह के इन्वेस्टमेंट के बाद प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कम से कम महीने में 3-4 लाख रुपए, यानी दिन के 10 से 15 हजार तो कमाने ही पड़ेंगे, जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है। अब इन फ्रेंचाइजी ऑनर्स का कहना है कि प्रफुल्ल ने 10,000 रुपए की सेल्स के सपने दिखाकर उन्हें फ्रेंचाइजी बेची है, लेकिन ये सपने ग्राउंड लेवल पर पूरे क्यों नहीं हो रहे, इसके 6 मेन रीजन है। पहला रीजन है, चाय तो बस चाय है। दोस्तों, अगर एमबीए चाय वाला ना होकर कॉफी वाला या फिर पिज्जा वाला होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। क्यों? क्योंकि हमारे लिए चाय तो बस चाय है। सोचिए, आपको अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पर ले जाना है या किसी बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, तो क्या आप उसे चाय या पानीपुरी जैसी चीजें सर्व करोगे या कॉफी और पिज्जा? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाय एज अ सब प्रीमियम या प्रीमियम बिजनेस के लिए सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि चाय को लेकर हमारी साइकोलॉजी काफी अलग है। चाय लोग केवल एक हैबिट की तरह पीते हैं, जबकि कॉफी और पिज्जा जैसी चीजें लोग टेस्ट के साथ साथ एक्सपीरियंस के लिए भी खाते पीते हैं। इसलिए चाय पर 50 रुपए खर्च करना शायद उन्हें खल सकता है, लेकिन कॉफी वो 200 रुपए की भी पी सकते हैं। दूसरा रीजन है, रॉन्ग कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट फिट। कभी आपने गंजे को कंघी बेचने की कोशिश की है? कंघी अपने आप में तो बहुत काम की चीज है, पर अगर आप गंजे को बेचोगे तो कभी नहीं खरीदेगा। कुछ ऐसा ही एमबीए चाय वाले के साथ हुआ। देखिए, क्योंकि प्रफुल्ल एक मिडिल क्लास टाउनर बैकग्राउंड रखते हैं, इसलिए उनकी ज्यादातर फैन फॉलोइंग टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज के यंगस्टर ही हैं। पर उनका जो प्रोडक्ट है वो सब प्रीमियम रेंज में आता है और उन लोगों के बीच वो फिट नहीं बैठता। आपको सब प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने के लिए एक ऐसा क्राउड चाहिए जो टेस्ट से ज्यादा एम्बियंस और ब्रांड नेम को अहमियत दे। उनके फैंस चाहे प्रफुल्ल की स्टोरी से कितना भी कनेक्ट करते हो, लेकिन वो कभी भी चाय पर इतने पैसे खर्च करना पसंद नहीं करेंगे। वो आपको चाय की टपरी पर ही चाय पीते हुए, प्रफुल्ल की इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुनते हुए ही मिलेंगे। तीसरा रीजन है, ब्रांड में किसी इंटेंजिबल प्रोडक्ट का ना होना। अगर अभी मैं आपको मैकडॉनल्ड का नाम बोलूं तो आपको क्या याद आएगा? बर्गर और फ्राइज, है ना? लेकिन मैकडॉनल्ड का ऑनर का नाम ढूंढने के लिए शायद आपको गूगल करना पड़े। यही बात नियरली सभी ब्रांड्स के साथ है, चाहे वो डोमिनोज हो, KFC हो या पिज्जा हट। लेकिन अगर मैं एमबीए चाय वाले का नाम लूं तो आपको चाय या उसकी शॉप का बनमस्का नहीं, बल्कि प्रफुल्ल बिल्लोरा का चेहरा याद आएगा। मैं इस बात से 100% अग्री करता हूं कि प्रफुल्ल ने कड़ी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाया, लेकिन उनका ब्रांड इतना पर्सनल था कि उसकी फ्रेंचाइजी का चल पाना मुश्किल है। जब प्रफुल्ल ने अपना पहला चाय का स्टॉल खोला तो जब लोग उनकी चाय के स्टॉल पर चाय पीने आते थे तो वो लोग चाय से ज्यादा प्रफुल्ल की बातें एंजॉय करते थे, उनके आइडियाज एंजॉय करते थे। लेकिन हर फ्रेंचाइजी ऑनर उस तरह की बातें या एनवायरमेंट अपने आउटलेट में क्रिएट नहीं कर पाया, और चाय अपने आप में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि वो कस्टमर अट्रैक्ट कर पाए, ना ही उसमें कोई ऐसी खास बात है कि लोग टेस्ट के नाम पर ही खींचे चले आए। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि ऑनर्स ने अपने लेवल पर कुछ एफर्ट्स नहीं डाले। दोस्तों, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो तो ये जरूर याद रखो कि बाकी की उंगलियां आपकी तरफ ही होती है। किसी को सोशल मीडिया पर गाली देना और धमकी देना तो आसान है, लेकिन आगे बढ़कर अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत मुश्किल है। जिन लोगों ने भी फ्रेंचाइजी ली, क्या प्रफुल्ल उनके घर जाकर फ्रेंचाइजी देकर आए या उनके साथ कोई जबरदस्ती हुई? नहीं, ये सभी लोग प्रफुल्ल की कहानी से इन्फ्लुएंस होकर खुद हाथों में पैसा लेकर फ्रेंचाइजी लेने आए थे। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि प्रफुल्ल की कोई गलती नहीं। प्रफुल्ल ने लोगों को सपने दिखाए, अपनी सक्सेस स्टोरी के नाम पर अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस बेचा। लेकिन अगर हम जैसे आम लोग इमोशंस और बिजनेस को मिक्स करना बंद कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इन सभी फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचा होता तो उन्हें एहसास होता कि एक चाय का ठेला लगाने के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं होती। जो बिजनेस 1 लाख से भी कम बजट में खुल सकता है, उसके लिए 30 लाख रुपए खर्च करने की कहां की समझदारी है। चाय का बिजनेस अगर आप समझोगे तो उसमें उसका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ही उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट का रीजन है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने बस फ्रेंचाइजी ली और सोचा कि अब सक्सेस उनके कदमों में आ जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। किसी भी बिजनेस में आपको भी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे याद है, मेरे स्कूल के पास पिज्जा हट का एक स्टोर खुला था। उस आउटलेट ऑनर की और भी शॉप्स थी, इसलिए वो वहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। ज्यादातर काम एम्प्लॉयज के भरोसे ही था। वहाँ हाइजीन के बहुत इश्यूज थे। वहीं उसके पास एक लोकल पिज्जा शॉप में एम्बियंस प्लस टेस्ट दोनों थे। आप यकीन मानेंगे कि लोकल पिज्जा शॉप के पास इतना रश होता था कि आधे घंटे बाद ऑर्डर मिलता था। वहीं पिज्जा हट में गिनती के कस्टमर जाते थे। तो ब्रांड का नाम आपकी मेहनत कम नहीं कर सकता, वो बस आपको स्मूथ स्टार्ट दे सकता है। बाकी अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए आपको
काम करना ही पड़ेगा। अगर प्रफुल्ल की बात करें तो वो खुद भी अपनी शॉप पर कभी आईपीएल का मैच दिखा देते थे, कभी वैलेंटाइंस डे पर सिंगल्स को फ्री चाय पिला देते थे, चाय के साथ करियर एडवाइस दे देते थे। ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो अपना चुके थे। उनकी इन्हीं कोशिशों से उनका बिजनेस बना था। कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स ने सब कुछ बस प्रफुल्ल के नाम के भरोसे ही छोड़ दिया। शायद यही वजह है कि कई जगह तो ये आउटलेट्स ठीक ठाक बिजनेस कर रहे हैं और कई जगह बिल्कुल फ्लॉप हो गए। पांचवा और आखिरी एक इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी बांटने में बहुत जल्दी कर दी और बिना प्लानिंग के हर किसी के हाथ में अपना ब्रांड नेम दे दिया। जैसे मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको फूड एंड बेवरेजेस की फील्ड में कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वहीं स्टारबक्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी आपको उनके कई नॉर्म्स पूरे करने पड़ते हैं। कई बार तो कंपनी के लोग कस्टमर्स बनके चेक करने आ जाते हैं कि आउटलेट्स सभी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जब आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेचते हो तो आप कस्टमर से पैसे प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉस्ट के नहीं बल्कि वहां के एम्बियंस और एक्सपीरियंस के लेते हो और आपको वो चीज मेंटेन करनी होती है। वहीं प्रफुल्ल ने हर किसी को फ्रेंचाइजी बेच दी बिना देखे कि वो चल पाएगा कि नहीं और कोई फॉलो अप भी नहीं लिया। ऐसे में क्वालिटी का मेंटेन होना तो बहुत मुश्किल है और यही कारण था कि एमबीए चाय वाले का फ्रेंचाइजी मॉडल फ्लॉप हो गया। टेक अवेज आज की केस स्टडी का सबसे बड़ा टेक अवे है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जिस तरह सोना आग में तपे बिना खरा नहीं होता, उसी तरह बिना मेहनत के कोई भी कामयाब नहीं होता। दूसरी बात कि सोशल मीडिया के इस दौर में आप वायरल लहर पर सवार होकर जितनी तेजी से ऊपर उठ सकते हो, आपकी एक गलती आपको उससे दुगनी तेजी से नीचे गिरा सकती है। तीसरा, बिजनेस फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पर होता है, इमोशंस के नहीं। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार रिसर्च जरूर कर लो, किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके अपनी मेहनत की कमाई ना लगा दो। अब आखिरी बात आती है कि क्या प्रफुल्ल लीगल फॉर्मेलिटीज में फंस सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि कंपनी आउटलेट के प्रॉफिट और लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। तो प्रफुल्ल ने तो सोच समझ कर डॉक्यूमेंट फ्रेम किया था, फ्रेंचाइजी ऑनर्स ने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा। दोस्तों, केस स्टडी आपको काम की लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और यहां तक देख रहे हो तो कमेंट में यस जरूर लिख देना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।